हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SSD एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द MCQ क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। A1, एमवे एंड टपरवेयर यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कंपनियों के नाम है A1, एमवे या फिर टपरवेयर कंपनी, ये कौन सा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, फॉरवर्ड चैनल, फैशन चैनल। यहाँ पर ये डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल बता रहे हैं, आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इसका मतलब होता है हम डायरेक्टली मार्केट करके कस्टमर तक वो गुड्स पहुँचा रहे हैं, इसलिए उसका नाम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है। सम फ्रॉम द इकोनॉमिक सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू द रोल ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज इज टू ट्रांसफॉर्म। इकोनॉमिक सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से रोल ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है? रॉ टू फिनिश प्रोडक्ट, कंज्यूमर नीड टू प्रोड्यूसर नीड्स, कंज्यूमर नीड टू वांट इनटू प्रोडक्ट डिजायर, या फिर एसॉर्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मेड बाय प्रोड्यूसर इनटू द एसॉर्टमेंट वांटेड बाय कंज्यूमर। तो एक्चुअली जो हम मार्केटिंग देख रहे हैं, मार्केटिंग का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पर जैसे प्रोडक्ट की नीड है, जैसा कंज्यूमर नीड करता है उसके फॉर्म में ही अपना प्रोडक्ट को चेंज कर लेना, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो है वो डी है। व्हेन द मैन्युफैक्चरर एस्टैब्लिश टू और मोर चैनल केटरिंग टू द सेम मार्केट देन डैश ऑकर। जब एक मैन्युफैक्चरर दो या दो से ज़्यादा चैनल को साथ मिलाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर उसको कहेंगे मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कई चैनल्स के बीच में चल रहा होता है। अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इट ओवरकम द मेजर टाइम प्लेस एंड डैश गैप दैट सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दोज हु वुड यूज देम। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पोजेशन, प्रॉफिट, इमेज, साइकोलॉजिकल। राइट आंसर है पोजेशन। अब यहाँ पे राइट आंसर जो पोजेशन वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने पूछा है टाइम प्लेस एंड डैश गैप। यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ेंगे तो चार प्रकार के गैप्स आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गैप फिल करने की बात चल रही है? पोजेशन। पोजेशन का मतलब है जब हम कोई गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो उस गुड्स को पोजेस करते हैं। जब तक हम गुड को पोजेस नहीं करेंगे, अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो हम उसे कंजप्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए हम देख रहे हैं दो देयर कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन डैश यूजुअली ऑफर द फर्म मोर देन इट कैन अचीव ऑन इट्स ओन। कौन ऐसा पर्सन है जो ऑफर करता है कि हम अपने से भी ज़्यादा दूसरों को देंगे? मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, डायरेक्ट मार्केटर या इंटरमीडिएटर? हम यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे इंटरमीडिएटर, क्योंकि डी पॉइंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक गुड्स वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, इंटरमीडिएटर के बीच में गुड्स नहीं रहेंगे तो हम प्रोडक्शन भी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मार्कर मेकर ऑफ टेलीविजन, कैमरास, टायर्स, फर्नीचर्स एंड मेजर अप्लाइंस नॉर्मली यूज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनमें से कौन सा ऐसा चैनल है जो इनके लिए यूज़ किया जाता है? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, हॉरिजॉन्टल चैनल, सिंथेटिक चैनल। यहाँ पर इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, क्योंकि जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जो ब्रांड नेम्स आते हैं तो वो हम डायरेक्टली घर घर जाके नहीं सेल करते बल्कि हम किसी ऐड के थ्रू सेल करते हैं, तो इसलिए उसको हमने इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहा गया है। यूजिंग मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव्स और सेल्स ब्रांचेस इज यूजुअली अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल फॉर्म। यूजिंग मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव या फिर सेल ब्रांचेस किस फॉर्म चैनल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस मार्केटिंग चैनल, कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल, सर्विस मार्केटिंग चैनल या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल? तो राइट आंसर है ए, जो कि है बिजनेस मार्केटिंग चैनल, क्योंकि बिजनेस मार्केटिंग चैनल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है और सेल ब्रांचेस जो हैं वो बिजनेस करने के फॉर्म के हिसाब से ही सामने आ रहे हैं। इट मीन्स वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इसलिए वो सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग गुड्स इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द मार्केटिंग चैनल फंक्शन। किसी भी गुड्स को स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है? नेगोशिएशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट या मैचिंग? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है इसे। हु सेल्स टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कौन बेचता है? सेमी होलसेलर, होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर? तो सेलर, रिटेलर जो है वो राइट आंसर है। द बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स आर, मार्केटिंग चैनल्स में बेनिफिट क्या होगा? कॉस्ट सेविंग,
टाइम सेविंग, फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन या ऑल ऑफ द अबव। अगर हम मार्केटिंग चैनल के थ्रू चलते हैं तो ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो बेनिफिट हैं, इसलिए हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव। डैश इज द लेयर ऑफ इंटरमीडिएट दैट परफॉर्म सम वर्क इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स ओन ओनरशिप क्लोजर टू द बायर। डैश इज द लेयर ऑफ इंटरमीडिएटरीज। कौन सी ऐसी लेयर है जिसको हम इंटरमीडिएट्स कह सकते हैं, जहाँ पे सम वर्क, जो कुछ काम दिया गया है प्रोडक्ट्स के लिए एंड ओनरशिप को साथ मिलाने के लिए, अ डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, चैनल लेवल, चैनल स्विचिंग सिस्टम। अ चैनल लेवल एक ऐसा है जहाँ पे हम सब साथ में मिलकर इंटरमीडिएट्स गुड्स रहें या फिर हमारे कंजप्शन गुड्स रहें, वो साथ में मिलकर हम बेच सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट इज ट्रू। सेल्स फोर्स इज द फर्म मोस्ट डायरेक्ट लिंक टू द कंज्यूमर। सेल्स फोर्स एक ऐसी फर्म है जो डायरेक्ट लिंक करती है कंज्यूमर के साथ। द स्टेटमेंट द वर्ड विल बीट अ पाथ टू योर डोर इफ यू बिल्ड अ बेटर। माउस ट्रैप रिफ्लेक्ट हाउ बिजनेस ऑपरेट टूडे। ये एक स्टेटमेंट सही है। एंड एज ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द मार्केटिंग कंसेप्ट दे सून रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू बी सेल्स ओरिएंटेड। या फिर ये वाला जो लाइन है वो ज़्यादा बेटर है कि पर्सनल सेलिंग इज़ यूजुअली लेस एक्सपेंसिव देन एडवर्टाइजिंग। एक और लाइन है, सेल्स मार्केटिंग इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ मैनेजमेंट। इन सब में से कौन सी ऐसी लाइन है जो सही है? आंसर है हमारा ए। तो ए लाइन को हम फिर से देखेंगे। सेल्स फोर्स इज द फर्म मोस्ट डायरेक्ट लिंक टू द कस्टमर। तो सेल्स फोर्स का मीनिंग क्या है? एक ऐसी फर्म जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो हम देखते हैं 13 क्वेश्चन में, विथ रिस्पेक्ट टू द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल विद इन द चैनल इंडिकेट डैश ऑफ द चैनल। इंडिकेट क्या करती है? विथ, डेप्थ, लेंथ, सिमिलैरिसिटी। तो यहाँ पर है लेंथ, कितना लंबा वो चैनल हो जाता है जब हम बात कर रहे हैं चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इंटरमीडिएट जो लेवल रहते हैं वो कितना लंबा हो जाता है, जैसे होलसेलर या फिर पहले मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, तो ये लेंथ कितनी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए राइट आंसर हम चलेंगे लेंथ की तरफ। डिपेंडेंट फर्म एट डिफरेंट चैनल लेवल इंटीग्रेट देयर प्रोग्राम ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टू अचीव सिस्टमैटिक इकोनॉमिक्स एंड इंक्रीज मार्केट इम्पैक्ट आर नोन एज कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल्स, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर यहाँ पर है बी, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो था उन्होंने पूछा था कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। डिफरेंट चैनल जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जोड़े जाते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम कह सकते हैं। 15 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉरी स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स फोर्स इज ट्रू इन 21st सेंचुरी। इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है 21st सेंचुरी के लिए? सेल्स मैनेजर विल यूज अ हैंड ऑफ अप्रोच एंड लेट द प्रोफेशनल सेल्समैन बी हिज और हर ओन बॉस। दूसरे पॉइंट में बताया है, ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज नो लॉन्गर अकर। आज के टाइम पे ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज होते ही नहीं है। सेल्स मैनेजमेंट मस्ट बी स्मार्ट एंड निबल एंड प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल केटेंट सोल्यूशन टू सपोर्ट द सेल्स एफर्ट। सेल्स पीपल मेक लिटिल यूज ऑफ द इंटरनेट बिकॉज दे रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पर्सनल टच। ऑल ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स फोर्स इज ट्रू, या फिर जितने भी थे वो ट्रू थे। तो राइट आंसर एक्चुअली हमारा है सी। तो सी पॉइंट को एक बार फिर से देखेंगे, सेल्स मैनेजमेंट मस्ट बी स्मार्ट। अगर सेल्स मैनेजर स्मार्ट रहेगा और उसके पास टेक्निकल नॉलेज है तो वो जितना एफर्ट सेल्स करने में लगा रहा है वो ईजिली कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए हम देखते हैं, डैश इज द मार्केटिंग चैनल दैट हैज नो इंटरमीडिएट लेवल। ऐसा कौन सा मार्केट चैनल है जहाँ पे इंटरमीडिएटर नहीं होता? तो वो है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। व्हेन चैनल मेंबर एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन और मोर ऑफ द मार्केटिंग फ्लो ओवर एटलीस्ट टू सेपरेट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलिंग, इन फैक्ट सच सिस्टम आर साइनोप्सिस विद बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मार्केट वर्टिकल इंटीग्रेशन इज नोन एज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हुए हैं चलते हैं। इन्होंने बोला है व्हेन चैनल मेंबर, एक चैनल मेंबर एज्यूम करता है कि एक या एक से ज़्यादा मार्केट में जब फ्लो होता है, एटलीस्ट कम से कम टू सेपरेट लेवल में जब डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो हो रहा है, जैसे होलसेलर से रिटेलर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो चाहे हम बैकवर्ड जाएँ या फॉरवर्ड जाएँ, तो ये बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेट को हम क्या कहते हैं?
कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम और नन ऑफ द अबव। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, यहाँ पे हम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कर रहे हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट का है जहाँ पे फॉरवर्ड भी जा सकते हैं बैकवर्ड भी जा सकते हैं, तो इसलिए राइट आंसर रहेगा ए। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड रिलेशनल सेलिंग इज, क्या डिफरेंस बिटवीन है? इन ट्रेडिशनल सेलिंग बायर मस्ट पे कैश, इन रिलेशनल सेलिंग बायर एंड सेलर मस्ट बी रिलेटेड, इन ट्रेडिशनल सेलिंग सेलर प्रोवाइड ग्रेटर सर्विसेज, इन रिलेशनल सेलिंग सेलर वर्क टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स, इन ट्रेडिशनल सेलिंग द ट्रेडिशनल इज सॉरी इन ट्रांजेक्शनल सेलिंग ट्रांजेक्शन इज द बिगनिंग ऑफ द रिलेशन। तो डी पॉइंट जो है वो हमारे लिए राइट रहेगा। इन रिलेशनशिप सेलिंग सेलर वुड टू प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कस्टमर, अगर रिलेशनशिप मार्केट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें अपने वैल्यू देनी पड़ेगी कस्टमर को, तभी वो हमारे सर्विसेज को लेगा। द वर्क ऑफ सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव फॉर सेलिंग एक्टिविटीज, डिटरमाइनिंग एंड शेड्यूलिंग द स्टेप नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इज नोन एज ऑब्जेक्टिव अप सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। तो सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सेलिंग, सेल्स पॉलिसी, सेल्स प्रोग्राम या सेल्स प्लानिंग। तो इसे हम क्या कहेंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से सेट करते हैं तो सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी नोन एज सेल्स प्लानिंग। कैरन इज स्टडिंग द पोटेंशियल फॉर सेलिंग हर कंपनीज प्रोडक्ट इन चाइना, अपार्ट फ्रॉम हर एनालिसिस ही इज असाइनिंग द नंबर टाइप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। तो कैरन इज स्टडिंग द कंट्रीज, तो जब कैरन स्टडी कर रही है अलग अलग नंबर्स टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ होलसेलर मार्केट या रिटेलर मार्केट के बारे में, तो कैरन क्या कर रही है? नेचुरल कंडीशन को समझ रही है कंट्री की, टेक्नोलॉजी या फिजिबिलिटी को, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स को समझ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर समझ रही है या लीगल पॉलिटिकल स्ट्रेन को समझ रही है। तो यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को समझ रही है। मिस्टर नारायण द न्यू नेशनल सेल्स मैनेजर इज लर्निंग अबाउट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट इन हर कंपनी, शी विल लर्न अबाउट ऑल द फॉलोइंग। सभी चीज़ को वो पढ़ पाएगा अगर वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को पढ़ रहा है, तो वो किस चीज़ को नहीं समझ रहा है एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सर्विस कैपेबिलिटी, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो वो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट को नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वो क्या पढ़ रहा है, सिर्फ अपने आसपास के एरिया को। विच इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, डिलीवरिंग, ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन। डिलीवरी जो है वो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रोल नहीं है सेल्स मैनेजमेंट का। जॉन द सेल्स मैनेजर फॉर द बिल्डिंग मटेरियल कंपनी नोज द कंज्यूमर इन वन प्रॉफिटेबल सेल्स टेरिटरी आर पर्टिकुलरली हॉस्टाइल टू वुमेन सेल्स रिप्रेजेंट, जॉन फेसेस एन एथिकल डायलिमा प्राइमरी इन द एरिया ऑफ। तो जॉन जब डायलिमा मतलब वो किस कंडीशन में है, डिटरमाइनिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स, इक्वल ट्रीटमेंट इन हायरिंग एंड प्रमोशन, रिस्पेक्ट्स फॉर इंडिविजुअल इन सुपरविजन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, फेयरनेस इन द डिजाइन ऑफ सेल्स टेरिटरी, फेयरनेस इन द असाइनमेंट ऑफ सेल टेरिटरी। तो राइट आंसर है फेयरनेस इन असाइनमेंट ऑफ सेल टेरिटरी, क्योंकि जब वो इक्वालिटी मेंटेन कर रहा है तो सेल्स टेरिटरी मतलब सेल एरिया को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, चाहे वो मैन हो चाहे वो मैन हो। मैनी फॉर्म यूजेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग टू एसेस देयर एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल स्कैनिंग शुड बी यूज टू, एनवायरमेंट स्कैनिंग क्यों यूज की जाती है? रिस्पॉन्स टू करंट क्राइसिस को देखते हुए, आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर के थ्रेट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, डिटरमाइन करने के लिए पर्सनल परफॉर्मेंस को, एलोकेट रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखने के लिए या फिर असिस्ट विद सर्विस डिलीवरी। तो राइट आंसर है अपनी फ्यूचर के थ्रेट और पॉसिबिलिटीज़ को देखने के लिए हम करते हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो थे डिपेंडेंट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के ऊपर। होप है स्टूडेंट्स आपको अपने हमारे क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।